नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजाना अपडेट में। मैं हूं शुभम कुमार। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में आपका प्रवर्तन अवर निरीक्षण के पद पे आपका ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ये रहा दोस्तों बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंट सर्विस कमीशन BPSSC इन्फॉर्मेंट सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट। आपका ये वेटर नंबर आपका 02/2019 है। तो इसका वैकेंसी आपको निकला हुआ है सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट का। ये इंपॉर्टेंट डेट है, अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 3 दिसंबर 2019 से और इसका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का 6/1/2020 तक है, मतलब 6 जनवरी 2020 तक है। आपका ये एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड कब आएगा उसका भी कुछ अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप अगर जान लीजिए, जनरल OBC EWH के लिए 400 का चालान लगेगा और SC ST के लिए 400 रुपये का चालान लगेगा। सेम प्रोसेस है, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भी SBI चालान के माध्यम से ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में आपको 212 पोस्ट मिलेगा, इस सब इंस्पेक्टर के वैकेंसी में आपको 212 पोस्ट मिलेगा। तो आप जनरल BC EBC BC फीमेल EWS SC ST टोटल आपको 212 हो गया। आप देख लीजिए, इसमें जनरल के लिए 84 पोस्ट है, BC के लिए 25 पोस्ट है, EBC के लिए 38 पोस्ट है और BC फीमेल के लिए 7 ही है दोस्तों। तो EWS के लिए 22 है, SC के लिए 34 है, ST के लिए 2 ही पोस्ट है। टोटल आपको 212 पोस्ट इसमें मिलेगा। एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी में आपको मिलेगा बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। तो आपका ये एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री पास। तो एज में आप देख लीजिए, एज आपका 1/8/2019 के मुताबिक होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल EWS मेल का 42 निर्धारित किया गया है और जनरल EWS फीमेल BC EBC 45 ईयर फीमेल का आपका हो गया 45 ईयर इसमें निर्धारित किया गया। और SC ST के लिए एज में मैक्सिमम एज में आपको 47 ईयर का रिलेक्शन मिलेगा। तो इस तरह का एज रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मिनिमम एज 21 से स्टार्ट होने वाला है। ये रहा एज का रिक्वायरमेंट। और आगे बढ़ते हैं फिजिकल एबिलिटी डिटेल्स में, आप देख लीजिए वही है, हाइट में आपका 1.65 लगेगा और फीमेल में कुछ यहाँ पे 1.50 cm हाइट लगेगा। तो चेस्ट में 79-84 cm आपका चेस्ट हो जाएगा मेल के लिए। वॉकिंग करना है दोस्तों, इसमें वॉकिंग करना है 25 किलोमीटर इन 4 घंटा में। मेल के लिए है आपको वॉकिंग करना है इसमें 25 किलोमीटर आपको चलना है 4 घंटा में और फीमेल को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटा में। तो इस तरह का आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका लास्ट डेट है 6 जनवरी 2020 को। तो इस वैकेंसी का लास्ट डेट आपको मिल रहा है 6 जनवरी 2020 को। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चलते हैं। शॉर्ट डिटेल्स आपको मैंने बताया, जो मेन बातें थी मैंने उसे बता दिया। तो चलिए दोस्तों, इसके देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। इसमें अगर आप बात करते हैं तो आपको सैलरी के बारे में भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ देख लीजिए, सैलरी टेबल 6 के मुताबिक मिलेगा 35,400 से आपको मिलेगा 1,12,400। 35,400 से मिलेगा 1,12,400, इस तरह से आपको पेमेंट मिलेगा इसमें वेतनमान में। तो इस तरह का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, ये 17 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें आपको मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने बता दिया क्या सब यूजेस होने वाली है इस वैकेंसी में। जैसे दोस्तों इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, मैं उसका वीडियो जरूर लेके आऊँगा कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, इस चैनल पर लगातार बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट रोजाना अपडेट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।